हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन रीट लेवल फर्स्ट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट से नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या होती हैं, कैसे इनकी प्रोसेस होती है या इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लिख क्या रखा है, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं से तात्पर्य है गणितीय क्रियाओं से। गणितीय संक्रियाओं से तात्पर्य क्या है, गणितीय क्रियाओं से। और जो गणितीय क्रियाएं हैं उसमें जोड़, गुणा, बाकी, भाग ये आती हैं। समझ रहे हैं बात, क्या है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं गणितीय क्रियाएं हैं जिन्हें आप जोड़, गुणा, बाकी, भाग ये नाम दे सकते हैं। तो देखिए इनके सोल्व करने का क्या तरीका है। पहले समझिए कि अपन यहां नाम किसके ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं जोड़ का, एक हो गया अपना व्यकलन। व्यकलन का तात्पर्य क्या हो गया अपने पास, बाकी। और एक हो गया है गुणा और एक हो गया है अपने पास भाग। ये जो क्रिया है इन क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, गणितीय संक्रिया कहते हैं। अब यहां पे आपको देखिए बताया जा चुका है दो चीजें कि एक तो होता है गुणन तत्समक, एक होता है योज्य तत्समक, एक होता है गुणन प्रतिलोम और एक होता है आपका योज्य प्रतिलोम। ये नाम बताए थे, क्या थे यहां पर इन दोनों में लेके बताया था कि अगर योज्य आपको दे दे योज्य प्रतिलोम, तो आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है कि योज्य प्रतिलोम से तात्पर्य क्या है, विपरीत चिन्ह वाली संख्या। विपरीत चिन्ह वाली संख्या क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम। जैसे पांच, पांच का योज्य प्रतिलोम माइनस पांच। जैसे कह दे माइनस दो बटा सात का योज्य प्रतिलोम माइनस का एंड प्लस का बोल दो बटा सात। एक बताया था आपको योज्य योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। और तत्समक का तात्पर्य क्या बताया था, ऐसी संख्या होती है जिसे किसी संख्या में जोड़ दें या जिसे किसी संख्या में से घटा दें तो वो संख्या अपरिवर्तित रहती है, जो कि क्या है अपने पास शून्य। क्या है, शून्य। शून्य का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर योज्य तत्समक होता है, ये बताया जा चुका है। और एक गुणन के लिए बताया था आपको, याद हो तो, कि एक बताया था गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम बताया था। और किसको कहते हैं गुणन प्रतिलोम, व्युत्क्रम रूप को। ए बटा बी है तो बी बटा ए कर दो, जैसे दो बटा सात है तो सात बटा दो के दो, आपको बोले सात, सात का गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा एक बटा सात। एक बताया था आपको गुणन तत्समक, ये कितना बताया था गुणन तत्समक। और गुणन तत्समक से बताया था ऐसी संख्या होती है जिसे किसी संख्या में, जिसे किसी संख्या में, जिसे किसी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें, जिसका किसी संख्या में भाग दे दें तो वो क्या रहे अपरिवर्तित, यानी जिसका भाग दें, जैसे अपने पास है ए है भाग दे दो तो भी ये ए ही रहेगा, ए है इसको गुणा एक से कर दो तो भी क्या रहेगा ए। तो ऐसी संख्या अपने पास कौन सी आ रही है, एक, तो एक ही क्या कहलाता है गुणन तत्समक। यहाँ ये बता दिए थे चार नाम तो आपको पहले, अब यार दो नाम और आते हैं अपने पास, और वो नाम है एक तो होता है गुणे और एक होता है गुणक। एक तो क्या है गुणे और एक क्या है गुणक है। लेकिन दो नाम है, एक नाम तो कह रहे हैं अपन गुणे, गुणे का तात्पर्य, और एक है गुणक। देखिए क्या है गुणे का मतलब क्या होता है, जिस संख्या को, जिस संख्या को गुणा किया जाता है, जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसको क्या कहते हैं गुणे कहते हैं, और जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसको क्या कहते हैं गुणक कहते हैं। जिस संख्या को गुणा करते हैं उसको गुणे, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको क्या कहते हैं गुणक कहते हैं। ये अपने चार, दो चार तो वो गए और दो ये कितने हो गए, छह नाम हो चुके। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं नामों से, ये नॉर्मल चीजें होती हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए ऐसा अर्थक अंक कौन सा होता है, शून्य होता है, बाकी सारे अंक जो नौ अंक बच रहे हैं वो क्या है सार्थक होते हैं। वैसे ही याद रखना गुणन तत्समक तो एक और योज्य तत्समक जीरो, गुणन प्रतिलोम क्या होता है व्युत्क्रम रूप, और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हो जाएगा संख्या का विपरीत रूप, यानी विपरीत चिन्ह वाली संख्या, जैसे प्लस की है तो माइनस की है तो प्लस की। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया से क्या तात्पर्य स्टूडेंट्स, अब आपको बताया गया कि गणितीय क्रियाओं से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या है गणितीय संक्रिया है। अब यहाँ पे वो चार नाम ले रहे थे अपन, कौन सा, एक तो जोड़, एक बाकी, एक गुणा और एक भाग। अब इनको जो ये किसी क्वेश्चन में चारों चिन्ह एक साथ आते हैं तो इन्हें सोल्व करने का तरीका है, और वो सोल्व करने का तरीका अपना क्या कहलाता है बोर्ड मास कहलाता है। क्या कहलाता है बोर्ड मास। तो देखिए क्या है बोर्ड मास, अपने पास नाम है बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास को समझेंगे एक बार, इसी प्रोसेस से गणितीय संक्रियाएं चलेंगी या गणितीय क्रियाएं चलेंगी।
अगर आप इस प्रोसेस को नहीं सोल्व करते हैं तो आपने जो भी सोल्व किया है वो आपका क्या है, आंसर गलत आएगा। तो देखिए क्या मतलब है, यहाँ बी है, बी का तात्पर्य होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी का तात्पर्य क्या है? ब्रैकेट। और ओ, ओ का मतलब है ऑफ। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। और डी, डी का तात्पर्य क्या है? डिविजन। डी का तात्पर्य क्या है? डिविजन। क्लियर बात। फिर अपने पास क्या आ रहा है? एम। क्या आ रहा है? एम। और एम का तात्पर्य है अपने पास यहां मल्टीप्लीकेशन। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या है? ए। ए का तात्पर्य अपने पास हो जाएगा एडिशन। एडिशन, ठीक है। और फिर बचता है अपने पास एस, और एस का तात्पर्य है सबट्रैक्शन। देखिए क्या है बोर्ड मास में, पहले नंबर पे दे रखा है बी, बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। फिर क्या दे रखा है? ओ, ओ का मतलब क्या है? ऑफ। फिर है डी, डी का मतलब है डिवीजन, और एम, एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और ए, ए का मतलब क्या है? एडिशन, और एस का मतलब क्या है? सबट्रैक्शन। यानी बी का मतलब कहा? ब्रैकेट। इसका तात्पर्य कहा है? कोष्टक। क्या मतलब है यहाँ? कोष्टक से। क्लियर बात। यहाँ फिर दे रखा है ऑफ, इसका मतलब होता है का। क्या मतलब होता है? का। और डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। और एडिशन का मतलब क्या है? योग। और सबट्रैक्शन का मतलब क्या है? व्यक्ति। देखिए यानी आप सबसे पहले क्या सोल्व करो, एक नंबर पे जो अपन सोल्व करेंगे वो सबसे पहले होते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर होता है ओ, फिर होता है डिवीजन, फिर कौन सा होता है? डिवीजन। फिर होता है अपना क्या? मल्टीप्लीकेशन। फिर होता है एडिशन, और फिर होता है सबट्रैक्शन। ये लीजिए, ये छह इनकी क्या है? प्रोसेस है। अगर किसी क्वेश्चन में सारे आएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको है? ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स के बाद में क्या आता है? ऑफ। और फिर क्या आता है? डिवीजन। फिर क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या आता है? एडिशन। और फिर क्या आता है? सबट्रैक्शन यानी व्यकलन। यानी सबसे पहले आप कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी, इनको इस क्रम में सोल्व करते हुए चलते हैं। लेकिन यहां आपको बता दें, ब्रैकेट्स जो है वो चार प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। देखिए ब्रैकेट या कोष्टक के प्रकार, देखिए क्या है यहां अपने पास कोष्टक के प्रकार है। सबसे पहले जो एक नंबर पे आएगा वो आएगा रेखा कोष्टक। क्या आएगा? रेखा कोष्टक, सही है। यानी बार लाइन होती है जो दो नंबर पे है। बार लाइन का तात्पर्य है ऐसी एक लाइन खींची होगी अंकों पर, सही है। इसको क्या कहेंगे अपन? रेखा कोष्टक कहेंगे। फिर अपने पास आता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक, और छोटे कोष्टक का तात्पर्य है कुछ ऐसा साइन मिलेगा आपको, कुछ ऐसा साइन मिलेगा। देखिए लाइन कोष्टक का मतलब ये है, ऐसे आएगी, और छोटे कोष्टक का मतलब ये है। जो थर्ड नंबर पे है वो अपने पास आएगा फिर मंजिला कोष्टक। क्या नाम है? मंजिला कोष्टक। मंजिला कोष्टक, और मंजिला कोष्टक से क्या तात्पर्य स्टूडेंट? ये कुछ ऐसे आएगा जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। ये लीजिए, और चौथे नंबर पे जो आएगा उसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक। और बड़ा कोष्टक कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और जो मैंने ये चारों कोष्टक के नाम लिखे हैं ये इसी क्रम में सोल्व होंगे। यानी कोष्टक में अपन ने बोर्ड मास में देखा, बोर्ड मास क्या कह रहा है कि ये है बी ओ डी, बोर्ड और मास। अब इसका मतलब तो हो गया डिविजन, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इसका मतलब ऑफ। अब ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट यहाँ कितने प्रकार के आ रहे हैं? चार प्रकार, एक दो तीन और ये चार। ये चार है, यहाँ ये लाइन है, फिर ये छोटा है, फिर ये मंजिला है, और यहाँ कौन सा है? ये बड़ा है। अब ये बड़ा कोष्टक है तो इनके क्रम भी यही होंगे स्टूडेंट। यानी सबसे पहले आपको लाइन कोष्टक करना है, यानी रेखा कोष्टक हल करना है, उसके बाद में छोटा कोष्टक, उसके बाद में मंजिला, और उसके बाद में बड़ा, फिर का नंबर आता है, का इसके बाद आता है। याद रखना का नंबर जो है वो किसके बाद आता है? कोष्टक से बाद में। किंतु इन जो आपका ये कौन से साइन दे रखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या आपका डिवीजन मल्टीप्लीकेशन,
इनसे पहले किसको सोल्व किया जाता है? काक को सोल्व किया जाता है। किसको सोल्व किया जाता है? काक को। समझ रहे हैं बात? कोष्ठक के बाद में होगा का सोल्व, किंतु किंतु जो आपके साइन है कौन से, आपके जैसे डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इससे पहले आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा? का। पहले बात, कोष्ठक के बाद और चिन्हों से पहले कौन हल होता है? का। तो इस क्रम में इनको सोल्व करते हुए चलते हैं। तो समझते हैं एक बार कैसे होते हैं ये सोल्व। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसे है समझिए। आपको कह दिया यहाँ है 72, कितना है 72 है, और यहाँ डिवाइड कर दिया है 9, और यहाँ लिख दिया है का, कितना है 1/3। कलिए बात, और यहाँ इंटू है, 2/3 कर देते हैं, चलो 2/3, 2/3, और इंटू कर दिया, और ये 1/2, और यहाँ आपको पूछ लिया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है। कलिए बात, यहाँ देखिए 72/9 का, सॉरी थोड़ा सा का यहाँ करें अपन, का लगा दे, का 1/3, का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2, और यहाँ अपने को वैल्यू पूछी जाएगी। कलिए बात समझे, यहाँ क्या है 72/9 है, फिर का है, फिर 1/3 है, फिर प्लस है 2/3 है, फिर 1 सही 1/2 है। अब यहां समझिए, अपने यहाँ प्लस के आ रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन के आ रहे हैं और डिवाइड का, अपन यहाँ इसको सोल्व कर दें अगर 72/9 का भाग दे दें तो अपना सवाल गलत हो जाएगा। अपना सवाल क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि इन चिन्ह से पहले अपन अगर देखें तो यहाँ देखिए किसका प्रयोग हो रहा है, का, और इन चिन्हों से पहली प्रायोरिटी किसकी है? का की है। चिन्हों से पहली प्रायोरिटी किसकी है? का की। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, ये तो रहा 72 और ये रहा भाग, अगली बात, और ये हो गया 9, ये का 1/3, और ये प्लस 2/3, और ये कितना हो गया है 2 + 2 = 3/2। अगली बात यहाँ तक। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया है 72, ये है 72 या भाग, अगली बात भाग देना नहीं है, पहले इस का को सोल्व करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस 2/3, और ये गुणा 3/2। तो देखिए यहाँ अगर भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 24 बार, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया है आंसर 25 हो गया, यही 25 क्या है अपना आंसर है। कल ये बात सही है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करते से कि मान लो आपने ऐसे सोल्व कर दिया, ये बेहतर है और ये भाग है, कितना है 9, फिर कितना है का यानी 1/3, फिर प्लस है आप लिख दें 2/3, और कितना लिख दें 3/2, ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप इसको प्रायोरिटी दें तो ये कितना बन गया है 8 बन गया है, और यहाँ गुणा है कितना हो गया 1/3 प्लस 2/3, और ये हो गया 3/2। कल ये बात, यहाँ कितना हो जाएगा ये 8/3, और यहाँ ये 1। अब बस ये गलत है, ये क्या है गलत है सॉल्यूशन। क्यों गलत है स्टूडेंट? क्योंकि आपने पहले किसको सोल्व कर दिया है? डिवाइड को। डिवाइड होता है लेकिन डिवाइड से पहले क्या है? का। आपने का को तो सोल्व नहीं किया, पहले क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आरी बात समझ में? अगर चिन्हों से पहले का है तो किसको हल किया जाता है? पहले का को। रह जाएगी बात याद, आ गई यहां तक समझ में, पहले किसको सोल्व करते हैं? का को। रह जाएगी इतनी बात याद। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे है अपने पास एक क्वेश्चन है एक्स या माइनस वाई माइनस मंजिला जेड, फिर माइनस छोटा कोष्टक एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहां लाइन कोष्टक है, ये लो मंजिला और ये बढ़ो, आपसे इसका मान पूछ लिए। अब इसमें देखिए अपने पास साथ छोटा भी है, मंजिला भी है, बड़ा भी है, और रेखा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले सोल्व किसको करेंगे? अपन रेखा कोष्टक को करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? रेखा कोष्टक को। तो देखिए अपने पास ये तो हो गया एक्स, ये हो गया है बड़ा कोष्टक वाई, और यहाँ है मंजिला, और ये है जेड, और यहाँ है माइनस। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसको अपने को सोल्व करना है, इस लाइन को क्या करना है? सोल्व करना है। समझ रहे बात? सबसे पहले किसको सोल्व करना है? लाइन को। अब लाइन को सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगी। अब यहां देखिए ये एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, ये एक्स ऐसे कैसे? कहिए बात, अब इसको हटाएंगे तो ये हटेगा, ये माइनस जो ये अंदर जाएगा, ये माइनस क्या होगा अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस वाई, और ये प्लस क्या हो जाएगा जेड, और ये छोटा कोष्ठक बंद, और ये मंजिला बंद, और ये बड़ा बंद। कहिए बात समझ ले,
इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, कलियर बात यहाँ। अब इसको रेखा कोष्ठक के बाद में किसका नंबर था, देखिए यहाँ अपने पास अपने रेखा कोष्ठक के बाद में किसका नंबर लिया है, रेखा कोष्ठक के बाद है छोटा, यानी ये वाला होगा, फिर मंझला फिर बड़ा, तो इसी क्रम पे आगे चलते हैं और समझिए। अब ये छोटा वाला ठन है, तो यहाँ रहा अपना एक्स, यहाँ बड़ा कोष्ठक है माइनस वाई, फिर मंझला है ठीक है, फिर जेड है। अब इसको सोल्व करेंगे, कलिए बात, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो गया जेड। अब छोटा तो सोल्व हो गया, ये मंझला बचा और ये अपने पास बड़ा कोष्ठक, कलिए बात। फिर यहां देखिए ये एक्स है, ये कितना हो गया एक्स, यहाँ क्या है वाई है, बड़ा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया माइनस का जेड, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये मंजिला भी हट गया, कौन सा बचा बड़ा, कलिए बात। फिर आगे बढ़ेंगे, ये एक्स और ये माइनस, अब ये हटाएंगे तो ये माइनस का वाई हो गया, ये प्लस का क्या हो गया जेड हो गया, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और ये बड़ा भी हट गया, कलिए बात। देखिए एक्स प्लस का है और एक्स माइनस का है, कलिए बात, वाई माइनस का है और यहाँ प्लस का है कैंसिल, जेड प्लस का है और माइनस का है कैंसिल, तो यहाँ आपके जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा जीरो, ये लीजिए यही क्या है अपना आंसर है, कलिए बात। यहाँ अपन ने तीनों कोष्टक का प्रयोग किया, चारों कोष्टक का प्रयोग किया है, रेखा कोष्टक भी है जिसको रेखा बंधनी कहते हैं अपन, फिर मंझला छोटा भी है बड़ा भी है और मंझला भी है, इस प्रकार से इन कोष्टकों को अपन सोल्व करते हुए चलेंगे। आगे बात समझ में, यहां तक तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए आपको ऐसे लिख दिया जाए, क्वेश्चन है एक और वो क्वेश्चन लिख दिया अपन ऐसे, ये सात क्लियर, या माइनस ये आठ माइनस, और यहाँ लिख दें मंजिला दो और माइनस और प्लस कर देते हैं छोटा तीन माइनस, और यहाँ हो जाए तीन प्लस सात, और ये लीजिए ये ऐसे सोलह क्वेश्चन है, कलिए बात। और यहाँ अपने को पूछ लिया इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, रेखा बनने को, तो ये सात ये बाहर माइनस आठ माइनस ये दो, और ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ हो गया है तीन, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दस, तो यहाँ हो गया है दस, कलिए बात, और ये हो गया बंद, और ये मंझला और ये बड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सात ये माइनस ये आठ ये माइनस ये मंझला ये दो, और ये कितना हो गया है दस, ये छोटा हट गया है, छोटा हट गया, और बचा कौन सा है मंझला, और अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया है सात और ये आठ और ये मंझला है, तो ये कितना हो गया बारह है, हो गया सही है, और ये बड़ा बचा, कलिए बात। अब यहाँ कितना हो जाएगा सात माइनस, और यहाँ निकालेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, देखिए माइनस का चार बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा सात माइनस माइनस प्लस, कलिए बात, और यहाँ पे अपने आंसर कितना जाएंगे इलेवन, ये लीजिए यही अपना क्या है आंसर, समझ गए। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए मान लीजिए आपको इससे आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शन को भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ है दो प्लस बड़ा कोष्ठक एक मंझला, और यहाँ लिख दिया तीन, और यहाँ प्लस, और यहाँ छोटा लिख दिया, यहाँ लिख दें एक बटा दो प्लस एक बटा तीन माइनस एक बटा दो, क्लियर बात है, और यहाँ लगा दिया है बार रेखा कोष्ठक, ये मंझला है और ये बड़ा है, और यहाँ आपको वैल्यू पूछ ली, क्लियर बात। यहाँ तो देखिए चाहे इसको यहाँ और चेंज कर दो आप, तो देखिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, रेखा बंधनी पर जाएंगे, नहीं रेखा कोष्ठक पे, तो यहाँ अपने पास है दो प्लस बड़ा कोष्ठक एक माइनस मंझला तीन बटा दो प्लस, और ये छोटा एक बटा दो यहां पर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया छह, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना आ गया छह आ गया अपने पास, और आप चाहेंगे थोड़ा चेंज कर लें इसको, यहां अपन कर लेते हैं दो और यहां कर लेते हैं तीन एक बार, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया छह, तो यहाँ तीन और यहाँ कितना हो जाएगा दो, तो कितना हो जाएगा एक बटा छह, कलिए बात, और यहाँ कितना है प्लस, और ये हो गया आपका कोष्ठक
मान छोटा और ये मंझला और ये बड़ा। रेखाबंदी का मान कितना आ गया, एक बटा छह आ गया। रेखाबंदी का मान कितना आ गया, एक बटा छह। यहाँ से आगे बढ़े दो प्लस बड़ा कोष्टक एक और ये मंझला कितना हो गया, तीन बटा दो गया प्लस। अब यहाँ क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम। चलिए बात है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा छह। भैया कितना है, एक बटा दो है और एक कितना है, एक बटा छह। एलसीएम कितना आएगा, छह आएगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ ये इसको कितनी बार डिवाइड दे रहा है, तीन, तो यहाँ आ जाएगा तीन और यहाँ आ जाएगा एक। कितना हो गया है यहाँ, चार बटा छह। तो कितना लिख सकते हैं अपन, दो बटा तीन, यानी इसका मान कितना है, दो बटा तीन है। चलिए बात, और ये कोष्टक बन सही है। अब मंझले पे आ गया, यहाँ देखिए अब अपन क्या करेंगे, मंझले को सोल्व करेंगे। मंझला कोष्टक सोल्व करना है तो अपन यहाँ तक चलेंगे, तो यहाँ तक चलेंगे तो ये तो कितना हो गया, दो। चलिए प्लस क्या है, बड़ा कोष्टक है, फिर कितना है, एक है। अब इसको सोल्व करना है तो देखिए अपने पास कितना है, तीन बटा दो प्लस तीन बटा दो। एलसीएम कितना होगा, दो ही होगा, और दो लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तीन, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, तीन। तो क्लियर कितना हो गया, छह। कितना हो गया, छह। छह बटा दो का मतलब कितना हो गया, तीन। यानी इस मंझले का मतलब कितना है, तीन है। मंझले का मतलब कितना है, तीन, और ये बड़ा कोष्टक बन गया, बच गया है। ठीक है, अब इससे आगे चले अपन, तो यहाँ देखिए कितना हो गया है, दो प्लस। अब इसको सोल्व करें तो कितना बचेगा, माइनस का दो बचेगा, सही है। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे, दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो अब अपना आंसर कितना बन जाएगा, जीरो। यही अपना क्या है स्टूडेंट्स, आंसर। ऐसे ये कोष्टक सोल्व होते हैं, ऐसे ये कोष्टक क्या होते हैं, सोल्व। रह जाएगी बात याद, आ रही है आपके समझ में, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको रेखा को कोष्टक सोल्व करना है, कोष्टक में रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, सही है। और चिन्हों का नंबर क्या आता है, इसके बाद में आता है। आगे बात तक यहाँ तक समझ में, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, मान लो आपको एक क्वेश्चन लिख दिया है, सपोज दैट यह एक क्वेश्चन है, एक सही एक बटा दो, ग्यारह सही एक बटा दो प्लस एक सौ ग्यारह सही एक बटा दो प्लस एक हजार एक सौ ग्यारह सही एक बटा दो, और ये आपसे यहाँ इसकी वैल्यू पूछ ली। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है आपको, एक तो है एलसीएम लेने का, इनको सही बटे भिन्न में बना, सही भिन्न है भिन्न बनाएंगे फिर सोल्व करें। इससे अच्छा है आप ये देखिए, इनको जोड़ लीजिए, पहले पूर्ण मान है एक, यहाँ है ग्यारह, यहाँ है एक सौ ग्यारह, यहाँ है एक हजार एक सौ ग्यारह, ये हो गया। और प्लस इसमें इसको जोड़ लीजिए, एक बटा दो प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा दो और प्लस एक बटा दो। अगले बात यहाँ तक, इनको एक बटा दो को अलग कर दिया अपने, तो यहाँ इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया है, बारह सौ चौंतीस हो गया। बारह सौ कितना हो गया, चौंतीस, और वो कितना हो गया है, दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बारह सौ छत्तीस हो जाएगा। ये लीजिए, यही अपना क्या है, आंसर है। आपको सही भिन्न बनाने की आवश्यकता है, इसको सही बट्टे में ले जाएंगे भाई, मिश्र भिन्न है तो यहाँ दो कम दो, दो रे तीन, इससे उससे भी अंतर है, लेकिन मेथड क्या है, लेंथ ही है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पूर्णमान है ये और यहाँ पूर्णमान है ये, यहाँ पूर्णमान है ये, यहाँ पूर्णमान है ये, इनको अलग ले लो और एक बटा दो को क्या कर लो, आप अलग कर लो, फिर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले अपन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन लिख दिया एक और यहाँ लिख दिया है 999 बटा एस, 999 सही एक बटा सात, फिर लिख दें 999 और यहाँ लिख दें दो बटा सात, 999 और यहाँ लिख दें तीन बटा सात, यहाँ लिख दें 999 चार बटा सात, 999 पाँच बटा सात और 999 और एक बटा छः बटा सात। कितना हो गया, छः बटा सात। देखिए यहाँ है छः बटा सात और ये वैल्यू पूछ लिया उससे। ठीक है, देखिए क्या है, 999 सही एक बटा सात, 999 दो, 999 सही दो बटा सात, 999 सही तीन बटा सात, 999 सही चार बटा सात और 999 सही पांच बटा सात और 999 सही छह बटा सात। देखिए कैसे होंगे ये, आपको अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही है, अभी जो किया इससे ये पूर्ण मान है ना, आप इनको अलग कर लो, सही है। कितनी बार है 999 देखो, एक दो तीन चार पांच छ, तो ये हो गया अलग। पहले बात, अब यहाँ कितना, अब ये पूर्ण मान है, इसको ले लो, कितना एक बटा सात प्लस दो बटा सात प्लस तीन बटा सात प्लस चार बटा सात प्लस पांच बटा सात और प्लस छह बटा सात। ये बात आपके यहाँ तक हो गया। ठीक
क्या किया, पूर्ण मान था उसको अलग कर लिया, कितनी बार है, छह बार, तो छह से गुणा कर दिया। अब यहां देखें आप तो कितना हो जाएगा, देखें यहां हो जाएगा चार, और भाई नौ छिका चौवन कितने बचे, पांच, नौ छिका चौवन, चौवन और पांच उनसठ, फिर नौ छिका चौवन, चौवन और पांच उनसठ, यानी कितना हो गया 5994। और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना मन जाएगा, 21/7 मन जाएगा। पहले बात है ले लीजिए एलसीएम आप, इतना ही मिलेगा, क्योंकि देखिए 5 11 11 4 15 15 3 18 18 3 21 सही है। तो अब इसको आगे सोल्व करें तो कितना हो गया 5994, और ये कितना हो गया है 3, आप इसे प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 5997, यही क्या है अपना आंसर है, सही है। आप वो एलसीएम लेके सोल्व ना करें, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसको फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर वो ऊपर वाला जोड़ेंगे, इसमें क्या लगता है समय आपके ज्यादा लगता है, पूर्ण मान को अलग कर लो और जो अपूर्ण मान है उनको अलग कर दो और बाकी वो आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 999 छह बार आ रहा था तो छह बार ले लिया अपन ने, ठीक है। आगे बात समझ में, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ने का तरीका यह है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या है वो समझिए, आपको कह दिया यहाँ यहाँ तो है 99, ये दे रखा है 99 सही, 99 यहां लिख देते हैं, आपके पास है 98 और यहाँ है 99 और यहाँ है 99, क्लियर, और यहां अपने को वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो है इसको इससे गुणा करो, वो जोड़ो, फिर जो मान है उसको इससे गुणा करो, ऐसा है। तो इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा अपना ज्यादा गणितीय संक्रिया करने में। अब इससे अपने को बचने का तरीका एक है कि आपके भिन्न ऐसे लिखी हुई है, कैसे लिखी है देखिए, ए बटा बी और यहाँ क्या है सी और यहाँ गुणा क्या है डी है, क्लियर बात। अगर यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर क्या है सी, अगर यहाँ जो मान है वो 9 से बनी संख्या हो, क्या हो 9 से बनी संख्या, यानी 9 ही 9 लिखे गए हो, तो ये पैटर्न बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो बी संख्या है उसको लिख लो, इसको लिख लो बी संख्या, तो बी संख्या कौन सी है अपने पास 99 है, बी संख्या कौन सी है 99, तो आप क्या करो 99 लिख लो, लिख लिया बी का मतलब यहाँ क्या है यहाँ वाली संख्या, तो यहाँ वाली संख्या अपने लिख ली, कलिए बात। अब इसमें है ना उतने जीरो लगाओ जितने की सी पर लिखे गए 9 है, सी पर लिखे गए 9 कितने हैं 3 बार, तो ये लीजिए 1 2 3, कलिए बात। फिर क्या कह रहा है यहाँ समझिए, बी और डी, बी और डी का अंतर, सॉरी ए और बी का अंतर देखिए कितना है, ए और बी का अंतराल यहाँ 99 98 कितना है 1, चलिए बात। और इसमें आप भाग दे दीजिए कितने का, कि यहाँ पर जो है आपका डी से बी कितनी बार कटता है, डी से बी, तो डी से बी यहाँ कितनी बार कटेगा 1 बार, तो यहाँ 1 ही आएगा, क्लियर भाई। ये डी है ये बी को कितनी बार काटेगा 1 बार, अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, कितना यहाँ घटाएंगे तो 9 या 9 या 9 या 8 या 9, यही अपना क्या है आंसर, चलिए बाप। दोबारा समझिए कैसे सोल्व करना है, बहुत इजी है। अगर अगर यहां क्या हो, याद रखना सी जो है यहां लिखी गई संख्या क्या हो 9 से बनी हो, यानी 9 ही 9 आ रहे हो, 9 से बनी संख्या से मतलब क्या है 9 ही 9 आ रहे हो, तो इसको एक इजी मेथड से सोल्व किया जा सकता है। क्या करो, सबसे पहले जो बी की जगह लिखी गई संख्या है उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया 99, फिर सी की जगह जितने 9 आए हैं उतने उसके आगे क्या लगा दो 0, उतने उसके आगे क्या लगा दिए 0, क्योंकि यहाँ कितनी बार आए 9 3 बार, क्लियर। फिर इसमें से क्या है बी और ए का अंतर, बी और ए का अंतर कितना है यहाँ 1 घटा दो, और नीचे भाग देना है किसको, जितनी बार डी बी को काटता है, डी बी को कितनी बार काटता है 1 बार, ये लिख दीजिए आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे अपन थोड़ा सा और बढ़ाए इसको, मान लीजिए आपको पास दे दिया गया है एक और संख्या है और ये लिख दी 999 और यहाँ है 9, यहाँ लिख दे 995, यहाँ लिख दे 999 और यहाँ है 999। देखिए बहुत इजी स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी की तरह देखेंगे। इसका पैटर्न तभी लगता है जब सी की जगह लिखी गई संख्या अपने पास क्या हो 9 ही 9 हो, सही है। तो यहाँ 9 है 3 बार आ रहे हैं, कलिए बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर संख्या कैसे लिखी मैंने a बटा b और यहाँ क्या है c और यहाँ क्या है d, सबसे पहले क्या लिखेंगे b, तो b का कितना है 999 है, कितना है 999, कलिए बात। कितनी जीरो लगाएंगे
जितनी बार सी की जगह नौ लिखे गए, कितने नौ लिखे गए हैं, तीन बार, तो एक दो तीन, इसमें से क्या गठा दें, गठाना क्या है, बी और ए का अंतर, कितना अंतर है, चार का, क्लियर बात। और कितने का भाग देंगे, जितनी बार डी जो है वो बी को काटता है, कितनी बार काटेगा, एक बार, क्लियर बात। यहाँ तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास कितना बन जाएगा, यहाँ तो बन गया है छह, यहाँ कितना हो जाएगा नौ, फिर नौ, और ये कितना हो जाएगा आठ, और ये नौ नौ, ये लीजिए यही क्या है अपना आंसर, क्लियर बात। यहाँ कितना हो जाएगा छह, फिर यहाँ दो बार नौ आ जाएगा, यहाँ आठ हो जाएगा, ये डबल नाइन आ जाएगा, यही क्या है अपने आप आंसर है, ये लीजिए बहुत ही जी है। बस क्या है तरीका आपको देखना, ये है जो सी है वहां पे क्या लिखे होने चाहिए, नौ से बनी गई संख्या, यानी नौ नौ लिखे होने चाहिए, तब ये पैटर्न अप्लाई हो जाता है, समझिए बात। आप चाहें तो लिख सकते हैं, पहले क्या लिखना होता है यहाँ पर, बी से बनी संख्या, नियम कब लगेगा, जब सी की जगह नौ नौ लिखे हैं, फिर क्या लिखे, बी से बनी गई संख्या, उसके साथ कितने जीरो लिख दें, उसके साथ जीरो लिखने पड़ेंगे, जितने नौ कहाँ लिखे गए हैं, सी पर, और उसमें से क्या घटा दें, बी और ए का अंतर, उसमें किसका भाग दे दें, डी को जितनी बार बी काटेगा, ठीक है ना, डी को बी काट रहा है, वो बी को जितनी बार डी काटता है वो उसका क्या दे दें आप, भाग, तो अपने क्या आ जाते हैं, आंसर। वैसे मेथड लंबा है लेकिन ऐसे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे आप चाहें तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे यहां लिख दिया एक बटा पांच प्लस, और यहां लिख दिया है ट्रिपल नाइन प्लस, यहां है 495, 495 और यहाँ लिख देते हैं 494, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं अपन 99, क्लियर बात। वैसे ही है मान, देखिए क्या है अपना नियम, तभी लगेगा जब C की जगह, यानी अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं, C की जगह 9 से बनी गई संख्या, ये C है, ये A, ये B, और ये क्या है, D है, क्लियर बात। यहाँ तो देखिए C से, C की जगह लिखी गई ये संख्या, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ हो गया एक बटा पांच प्लस, सही है, यहाँ देखिए है सी की जगह नौ, तो यहाँ पहले के लिखेंगे 495, क्लियर, कितने जीरो लगाएंगे, तीन बार जीरो लगा देंगे, क्योंकि तीन बार सी की जगह है मान, फिर इसमें से क्या घटाना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक, और कितने का भाग देंगे, जितनी बार ये इसको काटेगा, ये इसको कितनी बार काटेगा, पांच बार, क्लियर बात है भाई, देख लीजिए इसको कितनी बार काट रहा है, पांच बार। अब यहाँ कितना है अपना, एक बटा पांच है, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, पांच, ये हो गया एक प्लस चार, यहाँ आ गया अपने पास कितना, 495000 है, ठीक है, और इसमें से एक घटाना है, कितना घटाना है, एक, क्लियर, तो यहाँ ये इसको काट देगा और अपने पास कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 495000, तीन बार जीरो है और बट्टे में कितना है, पांच है। इसको और आगे सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ कितनी बार पर चला जाएगा, नौ बार, फिर यहाँ कितनी बार चला जाएगा, नौ बार, क्लियर बात है भाई। यहाँ देखिए 45 नौ बार चला जाएगा, फिर चार बचेंगे, फिर नौ बार चला जाएगा, और कितने जीरो, तीन बार जीरो, यही अपना क्या है, आंसर है, ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और बहुत ही जीए, बस मेथड ये है कि सी की जगह लिखी गई संख्या क्या होनी चाहिए, नौ से बनी गई संख्या, यानी उतनी बार क्या होना चाहिए, नौ होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये पैटर्न अपने क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। बाकी आप चाहें तो इसमें वो गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, बस मैथ में समय क्या लगेगा आपके, ज्यादा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ने पर क्या है, यहाँ समझिए, मान लीजिए आपको एक अलग क्वेश्चन है और यहाँ कह दिया जाए क्वेश्चन एक माइनस एक बटा तीन कह दिया, और यहाँ कह दिया एक सही, और यहाँ कह दिया आपको एक बटा चार, सही है, और यहाँ कह दिया जाए आपको एक सही एक बटा पाँच, चलिए बात, और ये चलता जा रहा है, और यहाँ कह दें इसको एक सही, और यहाँ एक बटा पचास कह दें, ठीक है, इसको आपको मान निकालना है। मान लीजिए आपको ऐसे पूछ लिया कि इसका मान कितना आएगा, तो देखिए बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको सोल्व करो आप, तो ये कितना हो जाएगा दो बटा तीन, ये कितना हो जाएगा तीन बटा चार, सही है, और ये कितना हो जाएगा चार बटा पाँच, सही है, और ये चलता जा रहा है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 49/50, सही है। अब देखिए ये जो है तीन, ये इससे कट गया, ये चार इससे कटेगा, ये वाला यहाँ की संख्या से कटेगा, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ की संख्या से कटेगा, तो यहाँ बचाई क्या अपने पास है, यहाँ एक तो बच गया है दो, और नीचे कितना बच गया है
50, यह आ जाएगा 50 और कितना लिख देंगे अपन 1/25, यही क्या है अपना आंसर। अगर ऐसे कोई पैटर्न है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए इससे नेक्स्ट अगर अपन देखें तो फ्रैक्शन में है क्या, अपॉन में फ्रैक्शन आती जाती है, फ्रैक्शन के नीचे क्या जाती है फ्रैक्शन, उसको भी आप इससे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको दे रखा है यहाँ एक क्वेश्चन और ये कह दिया है कि यहाँ है 2+ यहाँ है 1, फिर है यहाँ 2+1 और यहाँ कह दिया 2, और यहाँ दे रखा है आपको 2 1/2 और यहाँ आपको इससे थोड़ा सा जाकर यहाँ कह दें -1/2। ये क्वेश्चन है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी, इसकी क्या पूछ ले वैल्यू, तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को क्या करना होता है अपने को सोल्व, क्योंकि सबसे नीचे से सोल्व करेंगे। तो यहाँ अपने पास कितना है, यहाँ देखें अपन 2 -1/2 है, क्लियर बात, तो ये मान कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4 में से गए तो कितना हो गया 3/2 हो गया, कितना हो गया 3/2, तो यहाँ अपन कितना लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3/2, अभी 1 के नीचे बदल जाएगा और बदल जाएगा तो 3 ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। जैसे आपको करना क्या है, ये 2+ ये हो गया 1, फिर यहाँ है 2+ और यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, सही है, और ये है प्लस, तो यहाँ ये मान आया है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, क्लियर बात। अब अपने को सोल्व करना है ये वाला ब्रैकेट, क्लियर, तो यहाँ इस ब्रैकेट को अगर अपन देखें तो अपने पास ये कितना है 2+2/3, क्या सॉल्यूशन होगा, जो 2 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/3, तो इसकी जगह अपन कितना लिखेंगे 8/3, अब ये पूरा लिखेंगे तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर और 8 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि 2+2 तो क्या हो गया प्लस और यहाँ 1 है और ये 2 है, इसको क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर 3 8/3 है तो 3 ऊपर और 8 क्या हो जाएगा नीचे, क्लियर बात। अब अपने पास क्या है, ये ब्रैकेट है, इसको पहले सोल्व करेंगे, सही है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को देखें, यहाँ इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 2+3/8 है, क्या करें 8 × 16 कितना हो गया है 16 और 16 और 3 कितना हो गया है 19 कितना हो गया है 8, कितना हो गया 19/8, यहाँ देख ले 8 × 16 = 3 = 19 हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे अपन कितना 19/8, तो क्या होगा, ये जो है ये बदलेगा 8 ऊपर 19 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी इसको सॉल्यूशन ये हो गया 2+ और यहाँ कितना हो जाएगा 8 ऊपर और 19 कहाँ आ जाएगा नीचे, क्लियर बात। तो यहाँ देखिए इसको सोल्व कर देंगे अब, एलसीएम कितना आ गया 19 × 19 = 38 कितने हो गए 38 हो गए, 38 में कितने जोड़ने हैं अपने को 8, तो 38 में 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 46, तो 46/ कितना आ जाएगा 19, यही अपना क्या है आंसर, ये लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ पर समझिए, ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं तो सबसे बॉटम वाली स्टेप को सोल्व किया जाता है, यहाँ सबसे बॉटम में है 2 - 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना है अपने पास 3/2, तो यहाँ 3/2 का मतलब है 2 ऊपर पहुंच जाएगा 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो अपन ने यहाँ देखिए यहाँ लिख दिया है 2 तो ऊपर हो गया है और 3 कहाँ हो गया है नीचे, क्लियर बात। अब यहाँ यही सबसे बॉटम में बची है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 8 कहाँ रह जाएगा नीचे, जैसे कि 3 तो पहुंच गया ऊपर और 8 कहाँ रह गया नीचे, अब यहाँ कितना बच रहा है 19/8, अब 8 ऊपर 19 नीचे, ऐसे इनका क्या कर सकते हैं अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज अपन ने देखा गणितीय संक्रियाएं जिसको किससे सोल्व किया अपन ने बोर्ड मास से, फिर इन स्टेपों को शॉर्ट में भी सोल्व करना सीखा अपन ने, फिर अपन ने देखा है कि ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन चलते हैं तो सबसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉटम से, तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के लिए आपको केवल किसकी आवश्यकता है बोर्ड मास की, पहली बात आप इन वीडियो को लगातार देखते रहें, जैसे अपनी यूनिट फर्स्ट समाप्त होगी तो उसके बाद में आपका एक प्रैक्टिस वाली वीडियो क्लास होगी जिसमें आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।